Hello everyone, I'm Dr. Nupur, and in this video we are going to discuss about the mechanism of photosynthesis. देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. ये भी हमने पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. जो क्लोरोप्लास्ट है इट शोज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का दैट इज इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन, traps the light energy and help in the synthesis of the assimilatory power. Assimilatory power क्या होती है? ATP and NADPH. That will be utilized in the dark reaction. And what is the site of dark reaction? Yes, it's the stroma of the chloroplast. डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, मगर इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज द एटीपी एंड एनएडीपीएच. सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जो लाइट रिएक्शन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज photochemical phase or the Hill reaction. और इसके दौरान क्या होता है? During light reaction, occurs light absorption. Light का absorption होता है. Why? Because it is light dependent process. Second, water का splitting होगा. And oxygen is evolved during the process. इसके अलावा बनता है energy rich chemical intermediates, that is ATP and NADPH. ये किसकी तरह काम करेगा? It will act as a assimilatory power that will be utilized during the dark reaction, during the carbon dioxide fixation. तो हमने क्या देखा? द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. हियर वी आर टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द लाइट रिएक्शन. तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द लाइट रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज द फोटो केमिकल और द हिल रिएक्शन. नाउ इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? सबसे पहला तो इसके दौरान क्या होता है? लाइट अब्जॉर्प्शन होता है एंड देयर अकर्स स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. As a result, oxygen is evolved during the process and इसके दौरान बनता है assimilatory power, that is the ATP and NADPH. जो कहाँ utilize होगा? It will be utilized during the dark reaction, during which the carbon dioxide fixation will take place. Now, अगर हम बात करते हैं site of light reaction, तो what is the site of light reaction? तो जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट शोज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? मेम्ब्रेनियस सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन क्या होगा? इट विल बी द मेम्ब्रेनियस सिस्टम. Of chloroplast that involves the granule thylakoid and the stromal lamellae.
अब लाइट रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, और लाइट के अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम क्या है, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्शन सेंटर। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एज द नेम सजेस्ट, ये किसमें हेल्प करेगा? हार्वेस्टिंग ऑफ द लाइट, लाइट की ट्रैपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट वन, दैट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट हियर एंड दे आर बाउंडेड टू द प्रोटीन्स। तो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या हम इसे एंटेना भी कह देते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो होता है इट इज क्लोरोफिल ए। ये मेन हीरो है पिक्चर का, जैसे कि मूवी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है बिना हीरो के, सेम इज द केस हियर। यहां पर क्लोरोफिल ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। क्लियर? नाउ फोटो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। क्लियर? अब फोटो सिस्टम वन जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन एंड रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए that absorbs wavelength of 700 nanometer. तो यहां पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। इसीलिए PS1 जो है यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज P700। क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फोटोसिस्टम सेकेंड की जब हम बात कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड प्लस द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। अब आपको ऐसा लगेगा दोनों में तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है तो दे आर सेम। नो, दे आर डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वो कितनी वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। और यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, इट अब्सॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। क्या? इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज P680, क्योंकि यहां पर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा। PS1 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम P700 भी कह देते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन सेंटर है इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। सो दैट इज अबाउट द फोटो सिस्टम। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अपन बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, तो दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो इनका जो नेमिंग है फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू,
are named in sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. Photosystem first and photosystem second are named in the sequence of the discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. और इसको discover किसने करा था? They were discovered by Emerson. तो अभी तक अपन ने discuss करा about the photosystem. Photosystem consists of the light harvesting complex and the reaction center, that is the chlorophyll A. तो इसको अगर हम diagrammatically समझें, तो it will look something like this. These are the accessory photosynthetic pigments that helps in the process of photosynthesis. So, when the light falls on them, they will trap the light energy, they will transfer the energy among themselves, and finally, the light energy will be transferred to the reaction center, that is chlorophyll A. As a result, chlorophyll A gets photo excited and it will lead to the ejection of electron. So we can say that the first step of photosynthesis is photo excitation of chlorophyll A and ejection of electrons. So this is referred to as the light harvesting complex, which consists of the photosynthetic pigments bounded with the proteins, also known as the antenna complex, that help in trapping the light energy, transfer them among themselves, and then finally to the reaction center, that is the chlorophyll A, which gets photo excited and results in the ejection of the electron. And this is the first step of photosynthesis, that is a photo excitation of chlorophyll A and the ejection of electrons. Now, as I told you earlier, jo photosystem hai, ye do tarike ka hoga, photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 or photosystem 2 jo hai, they were discovered by Emerson and they are named in the sequence of their discovery. So, photosystems are of two types, that is photosystem 1 and photosystem 2. Now they are named on basis of the sequence of the discovery. क्लियर? और इसको डिस्कवर किसने करा था? एमर्सन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. एमर्सन एंड हिज कोवर्कर्स एक्सपेरिमेंटेड ऑन क्लोरेला. क्लोरेला क्या है? इट इज अ ग्रीन एल्गा. इन्होंने क्लोरेला को इल्यूमिनेट करा मोनोक्रोमैटिक लाइट से. व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? इट इज द लाइट ऑफ वन पर्टिकुलर वेवलेंथ. सो विल राइट हियर एमर्सन and his co-workers experimented on chlorella. And इन्होंने दो cases observe करे. First case में इन्होंने देखा कि when illuminated
by wavelength greater than 680 nanometer or 700 nanometer. Then there is sharp decrease in rate of photosynthesis. Now, when the chlorella plant was illuminated by the wavelength greater than 680 nanometer or 700 nanometer, it was observed that there is a sharp decrease in the rate of photosynthesis. क्योंकि 680 नैनोमीटर वाला जो रीजन है दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेड रीजन और इसके बियॉन्ड शार्प डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसीलिए इसको कहा गया रेड ड्रॉप. सो दिस इज रेफर्ड टू एज द रेड ड्रॉप. सेकेंड केस जो स्टडी करा गया था, इन इट द क्लोरेला प्लांट वॉज इल्यूमिनेटेड by wavelength 680 nanometer and 700 nanometer simultaneously. And it was observed that there is increase in rate of photosynthesis. And it is referred to as Emerson enhancement effect. In the first case, chlorella was illuminated by the wavelength greater than 680 nanometer or 700 nanometer. And it was observed that there is a sharp decrease in the rate of photosynthesis. क्योंकि ये जो region है, it is beyond the red region. इसीलिए इसको कहा गया red drop. Clear? Second case जो है, यहाँ पर chlorella is illuminated by two wavelengths, that is 680 nanometer and 700 nanometer simultaneously. तो ये दोनों wavelengths जो है chlorella पर डाली गई एक साथ. And it was observed that there is a increase in the rate of photosynthesis. और इसको क्या कहा गया? It is known as Emerson enhancement effect. तो it shows the presence of two photosystem. One photosystem is active at the wavelength 680 nanometer, that is known as PS2, and the other is active at 700 nanometer wavelength, that is PS1. So this is how the discovery of the two photosystem took place, that is photosystem 1 and photosystem 2. Now let us understand the occurrence or the location of the two photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2. यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है. This represents granule thylakoid. And this represents the stromal lamellae. अब यहां पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहां मौजूद होगा? देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम. आई विल बी ड्रॉइंग फोटोसिस्टम 1 विद ब्लू एंड फोटोसिस्टम 2 विद रेड. ओके, तो यहां पर फोटोसिस्टम 1 कहां मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सपोज्ड एरियाज और द नॉन अप्रेस्ड एरियाज. क्लियर? तो ये कहां पर मौजूद होगा? हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरिया है, नॉन अप्रेस्ड एरिया है. ऐसे ही इधर मौजूद होगा, इधर नहीं मौजूद होगा. जितना भी एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर क्या देखने को मिलेगा? देयर इज प्रेजेंट द फोटोसिस्टम 1. और ये जो अप्रेस्ड एरिया है या जो कि एक्सपोज्ड नहीं है, यहां पर देखने को मिलता है फोटोसिस्टम 2 लाइक दिस. ये तो हो गई ग्रैनुल थायलाकोइड की बात. और अगर हम बात करें स्ट्रोमल लैमेले की, तो यहां तो एक्सपोज्ड एरिया ही है, तो यहां पर कौन से टाइप का फोटोसिस्टम मिलेगा? ओनली फोटोसिस्टम 1.
तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रैनल थायलाकॉइड है यहाँ पर दोनों टाइप के फोटोसिस्टम मिलते हैं, दैट इज PS1 एंड PS2। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रोमल लैमेले तो यहां पर केवल एक ही टाइप का फोटो सिस्टम मिलेगा, दैट इज द PS1। और एक बात और ध्यान रखनी है, PS1 कहां मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स, या हम कह सकते हैं एक्सपोज्ड एरिया, जबकि PS2 कहाँ मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन द अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ द थायलाकॉइड। क्लियर? सो दैट वॉज ऑल अबाउट द लोकेशन और द अकरेंस ऑफ द फोटोसिस्टम, दैट इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2।